333 में जन्म दिहाड़े नूं समर्पित अज महाराष्ट्र के नांदेड़ विच स्थित गुरद्वारा माता साहिब देवां जी विखे गुरमत समागम सजाया गया, जिस विच पंथ प्रसिद्ध रागी जथे ज्ञानी कथावाचक प्रचारक अते संत महापुरखा ने संगतां नूं गुरु जस सुना के निहाल किया। इस मौके संत बाबा नरेंद्र सिंह जी, संत बाबा बलविंदर सिंह जी कार सेवा गुरद्वारा श्री लंगर साहिब, जथेदार बाबा जोगिंदर सिंह जी रकबे वाले अते जथेदार बाबा प्रेम सिंह जी, निहंग सिंह 96 करोड़ी, जथेदार श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल समेत होर वख-वख जथेबंदियों के आगू और होर प्रमुख शख्सियत ने भी शमूलियत की। इस दौरान हजारों की तादाद में संगत भी नतमस्तक होने वास्ते पहुंची। बाबा निधान सिंह की तस्वीर वेख देना, उथे बाजा वाले ने सिर ते हाथ रखिया महापुरशां दे, ते हुणे दोवें महापुरशां ते हुण कल्ले कलगीधर पातशाह नहीं, माता ने भी रख दिता। जिन्हियां जथेबंदी आईयां हन तरना दल महापुरश बाबा मखण सिंह जी, बड़े प्यार वाले हर साल सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरण परशन आउंदे, बाबा गुरदेव सिंह जी जो बहुत ही हजूरी सिंघां दे नाल प्यार करदे, ते दल बाबा बिधी चंद जी, बाबिया ने ते कमाल कर दी आई थी, हाथियां भी लियांदे नाल। पिछले वीरी आए सी निहाल सिंह नूं कहण लगा तू कल्ला ही आया, आ कहण लगे मैं बाबा बिधी चंद दल वालों आया। मैं घोड़े कित्थे है गए, वह चुप जा हो गया। मैं कहा दल का नाम लिया तो घोड़े तो लियांदे नहीं तू, तो फिर बाबा जी ने कसर नहीं रखी ऐतकी, हाथी भी नाल लियांदे। बाबा जी का धन्नवाद। तो बाबा जी ने एक होर कृपा की, दसम महाराज जी दियां जिहड़ियां पोथियां हन, पहले तो सरूप छपिया सी तख्त साहिब वालों, हुण बाबा जी दे उदम दे नाल दोवें भाग लड़ीवार छपे हन। ये महाराज ने कृपा करी इन्हां उत्ते, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी रहमता करन, महापुरखां दे सीस ते मेरा प्रिया हथ रखण, ते वध तों वध खालसे पंथ दी चढ़दी कला वी सेवा करन दा बल बख्शन, होर दल पंथ सारिआं दा धन्नवाद जिन्हां ने इन्ने दूरों दल पंथ खालसा जी, कोई मामूली गल नहीं हैगी, इन्ने दूरों घोड़े लियाने, दो बंदे लह के आ गए ना तो बंदे का दिमाग खराब हो जाता, अगली बारी हजूर साहब मत्था टेक के जाता बाबा जी हुण अगली बारी कल ही आवांगे, इन्हां ने एवें सिर खा के रखे, दो ही जने हफड़ा दफड़ी मचा देंदे, बाबे ते दल लैके फिरदे। तो बाबा जी कहण लगे 60 घोड़े लियांदे ऐतकी, तो हुण बाबा प्रेम सिंह नूं बेनती ये भी घोड़े रखण, हुण ज्यादा रखे है थोड़ी, ये पता ही लगता घोड़े कितने है गए। सो प्यारे खालसा जीओ, बोल दिया होया बेअंत भुला हुई होनगियां, उदास बोलता हरतम वाल हूँ भी बोल दिंदा, जिस वेले कोई सियाणा जांदा ना बाजार ते अंगूर दे गुच्छे खरीद के लिया, ते फिर पता खालसा जी कई विचों ने चल जेड़े दाने होंदे खराब होंदे, पर जेड़े ना समझ आते ना वो सारे गुच्छे ही नाली च सुट देंदे, कहिंदे खराब है, पर जेड़े सियाने होंदे ना दाने होंदे बुद्धिमान होंदे, वह फिर माड़े माड़े सुट देंदे ते चंगे चंगे खा लेंदे। इसे तरह खालसा जी कोई जा कल कोई ठीक नहीं लगी होवे, दास आप जी दे जोड़े साफ करन वाला हैगा, दास नूं अणजाण जा बच्चा समझ के माफ करना, ते माता जी दे चरणा विच समुचे पंथ की अरदास की अज सवेरे, के महाराज माता जी नूं कहना कि सारिआं नूं नाम दा रंग दिओ, सारिआं दे चोली च गुरसिखी पाओ, क्योंकि खालसा जी असली चीज मंग लैनी बाकी नाल ही आ जांदियां। गुरु की हजूरी दे विच माता साहिब देवां जी दे 333वें जन्मदिन की खुशी विच समुचा पंथ खालसा तखत सचखंड साहब जी तो संत बाबा कुलवंत सिंह जी ते समुचे पंज प्यारे साहिबान और समुचा इत्थे पंथ खालसा सजिया होया गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच माता जी दियां खुशियां ते माता जी दियां आशीर्वादां लैण वास्ते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बहुत वड्डी खालसे नूं देन दित्ती,
गुरु नानक साहब जी ने बहुत वड्डियां भारी बख्शियां कीतियां। दल बाबा विधी चंद जी उन्हां दे मुखी संत बाबा अवतार सिंह जी जिन्हां उत्ते महान कृपा वह भी इत्थे स्टेज ते बैठे हुए महाराज की हजूरी दे विच हाजरियां लवा रहे आ। बुढ़ा दल वालों 96 करोड़ी संत बाबा प्रेम सिंह जी वह भी इत्थे सजे हुए बैठे आ। सत श्री अकाल। शहीदी बाग तो संत बाबा गुरदेव सिंह जी वह भी इत्थे सजे हुए बैठे आ। और इन्हां दे नाल साडे मोढे नाल मोढा लाउण वाले संत बाबा बलविंदर सिंह जी वह भी स्टेज के उत्ते बैठे आ। जिथे सारा समुचा पंथ खालसा बैठा सारिया ही निहंग सिंह जथेबानिया निहंग सिंह जथेबंदियां चाड़ साहब तो बाबा तारा सिंह जी निहंग सिंह जथेबंदी वह भी इत्थे पहुंचे हुए आ। और कीदा कीदा ना लईए गुरु की संगत सारा ही पंथ खालसा सत्कार योग आ। जिन्निया भी निहंग सिंह इत्थे जथेबंदियां आईया सारिया का धनवाद। और कार सेवा वाले महापुरुष जिन्हें भी इत्थे पहुंचे सारिया का धनवाद। निर्मले महापुरुष जिन्हें भी इत्थे पहुंचे सारिया का धनवाद। समुची संगत का तह दिलों धनवाद। कोटन कोट धनवाद गुरु ग्रंथ साहब जी का जेडे आपां नूं सारिआं नूं आशीर्वादां दे के अपने चरनी ला रहे आ बख्शिश कर रहे आ। इन्नियां क बेनतियां प्रवान करनियां। धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की हजूरी दे विच सज बैठे तखत सचखंड श्री हजूर साहब जी दे अति सत्कारयोग जथेदार सिंह साहब संत बाबा कलवंत सिंह जी अति सत्कारयोग पंज प्यारे साहिबान तखत सचखंड श्री हजूर साहब जी दे चेयरमैन विजय सतबीर सिंह जी वालों समूह प्रशासकीय समिति दे समूह मैंबर साहिबान जिन्होंने हाजिरी लगाई अति सत्कारयोग तखत साहब के सुपरिटेंडेंट साहब सरदार रणजीत सिंह जी चरागिया ज्ञानी बख्शीश सिंह जी गुरद्वारा नानक झीरा साहब तो भाई हरपाल सिंह जी सरदार दरबारा सिंह जी गुरु साहब की कृपा के नाल गुरद्वारा माता साहब तो सिंह साहब जथेदार बाबा प्रेम सिंह जी 96 करोड़ी 15वें मुखी बुढ़ा दल जिन्होंने सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मान सत्कार सतगुरु जी की कृपा के नाल मिलिया। संत बाबा नरेंद्र सिंह जी संत बाबा अवतार सिंह जी संत बाबा मखण सिंह जी संत बाबा गुरदेव सिंह जी समूह अति सत्कारयोग दल पंथ बड़ी वड्डी कृपा गुरु कलगीधर पातशाह जी दे सारे दलां पंथां दे मुखी जथेदार सिंह साहब जिन्हां दा नाम सतगुर सच्चे पातशाह कृपा करके आप जानते हैं सारे अति सत्कारयोग ते गुरु कलगीधर पातशाह जी की कृपा दे नाल अति सत्कारयोग सारे निहंग समूह निहंग सिंह जथेबंदियां जथेदार साहब जो पंजाब तो अपना अपना कीमती समा कढ के माता जी दियां खुशियां असीसां लैण वास्ते समूह गुरु की साजी नवाजी साध संगत देसा परदेसा तो दुनिया के कोने कोने तो गुरु साहब के चरणों हाजिरी लवा रहे हैं। सारियां नूं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।